वेलकम टू स्टडी यू मेरा नाम है नीर निधि नंदेहा एंड आईव सिक्योर्ड रैंक वन इन सी जी पी एस सी टू थाउजेंड नाइनटीन एंड आज मैं आपसे बात करूंगा अपने सी जी पी एस सी प्रिम्स के स्ट्रेटेजी के बारे में सी जी एस सी प्रम्स की स्ट्रैटी फॉर्म करते हुए मैंने बेसिक अप्रोच वही रखी है जो मैंने मेन्स एग्जामिनेशन में रखी थी सबसे पहले हम सिलेबस देखेंगे फिर हम लोग देखेंगे पास्ट ईयर क्वेश्चन उसके बेसिस में आपको बताऊंगा कि कौन से कौन से एरियाज में फोकस करना है एंड फिर एक सेपरेट वीडियो में मैं आपको रियल टाइम टू थाउजेंड ट्वेंटी का जो प्रलिम्स का पेपर है उसको सॉल्व करके मैं दिखाऊंगा किस टाइप से मैंने अपनी डिफरेंट जो ट्रिक्स है वो मैंने डेवलप करी ओवर द कोर्स ऑफ द ईयर्स जिसके कारण मुझे प्रेलिम्स में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है अगर आप मुझे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से फॉलो करना चाहते हैं तो ये है मेरे सोशल मीडिया लिंक्स आइए देखते हैं किस टाइप से नेचर रहा है क्वेश्चंस का ओवर द ईयर्स इन सी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन देखिए ओवरऑल वेटेज की बात करेंगे तो काफ़ी ही आ, एक बहुत ही ढंग का सेपरेशन रहा है और प्रेडिक्टेबल रहा है सी सी पी ओवर द ईयर्स तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि अगर 100 क्वेश्चन आते हैं प्रिलिम्स में तो यूजुअली उसका 50 क्वेश्चन होते हैं सी जी से और 50 क्वेश्चन होते हैं इंडिया जी से तो इसका जो डिविजन है कुछ इस टाइप से होता है जो मैंने देखा है ऑब्जर्व किया है ये कोई हार्ड कोर या फिर एक रिटर्न रूल नहीं है लेकिन ये जनरल जो पैटर्न है जो मैंने गिना है ओवर द ईयर्स आप लोगों के लिए वो मैं आज आपको बताने की कोशिश करूंगा सी से तैंतीस क्वेश्चन आते हैं फिलॉसफी से पाँच हिस्ट्री से सात पॉलिटी से सात क्वेश्चन आते हैं पंचायत और नगर पालिका यहाँ से पांच क्वेश्चन आते हैं इकोनॉमिक्स से यूजुअली सात क्वेश्चन आते हैं ज्योग्राफी से मैक्सिमम आठ क्वेश्चन के आसपास आते हैं करंट अफेयर के चौदह क्वेश्चन होते हैं जिसमें यूजुअली सात होते हैं सी से और सात होते हैं इंडिया लेवल से साइंस टेक इन्वायरमेंट से दस क्वेश्चन आते हैं लगभग और सर्वे से सात क्वेश्चन आते हैं अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है जहाँ से वेरी कर रहा है ओवर द ईयर्स जो वेटेज है वो मैं आपको बताता हूँ फ़िलासफी क्वेश्चन कभी बहुत ज़्यादा आते हैं कभी बहुत कम पंचायत और नगर पालिका कभी बहुत ज़्यादा आते हैं छः सात क्वेश्चन आ जाते हैं कभी दो आते हैं या कभी एक आता है ठीक है इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन वेरी करते हैं हर बार इतना कुछ हार्ड से प्रेशर नहीं है इनका साइंस टेक इन्वॉर्मेंट से कभी कभी बहुत ज़्यादा साइंस टेक हैवी होता है कभी कभी नहीं होता है तो ये दोनों ही एक्सट्रीम आपको हैंडल करने पड़ेंगे सर्वे से जो क्वेश्चन है वो टू थाउजेंड सेवेंटीन के प्रयम में बहुत ज़्यादा आया था टू थाउजेंड एटीन में डिसेंट आया था 2019 में लगभग ना के बराबर और 2020 में भी लगभग जो यूजुअल सर्वे का जो वेटेज रहा है वो कहीं ना कहीं डाउन हुआ है तो इन पांच सब्जेक्ट के अलावा बाकी जो सब्जेक्ट है ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहे हैं और इन जो सब्जेक्ट जिनको मैंने सर्कल लगा के रखा है ये कहीं ना कहीं वेरी रहे हैं ओवर द ईयर्स और इनका जो पैटर्न होता है वो ये होता है कि जो पहले साल में अगर बहुत सारा क्वेश्चन पूछे गए तो, तो इसको अपने रहता है कि अगले क्वेश्चन अगले साल के जो क्वेश्चन पेपर इनको ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे उनको तो अच्छे से प्रिपेयर करना है अब या है क्या रहेगी इन पर्टिकुलर पेपर्स के लिए वो मैं आपको बताता हूँ देखिए हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे ईजी और यूजुअली बनने वाले पोर्शन से और ऐसे पोर्शन जहाँ पे इनपुट आउटपुट रेशियो बहुत ख़राब है उसको हम लोग लास्ट में डील करेंगे फॉर एग्जाम्पल मेरी जो स्ट्रैटेजी रहती थी पहले करंट अफेयर करना है फिर सर्वे करना है उसके बाद सी जी जी एस करना है फिर इन्वायरमेंट पढ़ना है फिर फिलासफी पॉलिटी पंचायती नगर पालिका इकोनॉमिक्स जोग्रफ़ी और लास्ट में मैं हिस्ट्री करता था क्योंकि हिस्ट्री का सिलेबस बहुत बड़ा है और वहाँ से अगर क्वेश्चन टफ़ सेट हो रहे हैं तो किसी से नहीं बन रहे और इधर सेट होना है से सबसे बन जा रहा है तो उसमें एक्स्ट्रा पढ़ने का ज़्यादा मेरे को औचित्य नहीं दिख रहा था इंडियन हिस्ट्री में अब देखिए अब मैं आपको टाइम बताता हूँ मान लीजिए छब्बीस नवम्बर को छब्बीस नवम्बर को आपका नोटिफिकेशन आ गया है इसके बाद आपको कैसे प्लान करता था मैं वो आपको बता रहा हूँ सबसे पहले हमने देख लिया वेटेज क्या क्या दिया हुआ है उसके बाद हमने एक स्ट्रैटेजी बांध ली कि इस प्रायोरिटी में पढ़ना है अब जब मैं दिन स्टार्ट करता था अपना तो ये जो दो तो पोर्शन है इनको एक घंटा देता था आधा आधा घंटे दोनों को सी जी को एक घंटा देना है साइंस टेक इन्वॉर्मेंट को ज़्यादा नहीं देना है आपको थर्टी मिनट्स देने हैं इसे फिलोसफी ज़्यादा नहीं पाँच मिनट्स पढ़ना है क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं वो मेन्स के की से ही आते हैं फॉर एग्जांपल न्याय की फिलॉसफी है प्रमा अप्रमा सत्कारवाद सांख्य की फिलॉसफी है सत्कारवाद पुरुष प्रकृति विकासवाद तो यही पूछेगा कि विकासवाद इज रिलेटेड टू तो ऑफ द फॉलोइंग फिलोसफीज ठीक है अप्रमा फॉर्म्स अ क्रिटिकल एलिमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फिलोसफीज ठीक है तो ये जो फिलॉसफी है तो वो ऐसा ही सिलेबस से कीवर्ड से है, तो पांच मिनट से ज्यादा रोज मैं नहीं दूंगा इसको पॉलिटी आपको पढ़ना है लगभग पैंतालीस मिनट रोज पंचायतें नगर पालिका में जिस प्रकार से रीसेंट अमेंडमेंट हुआ है तो जो पुराने क्वेश्चंस है वो जो है ऑब्सोलूट हो चुके हैं और मुझे नहीं लगता है कि नया क्वेश्चन फ्रेम होंगे तो मुझे उतना चांसेस नहीं लग रहा है कि अब पंचायती और नगर उतना पूछने वाला है लेकिन इसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल वाला पार्ट है आर्टिकल है टू ए से लेके जितना भी है नगर और साथ ही साथ पंचायती राज इंस्टीट्यूट्स का वो आप पढ़ लीजिए जो इंडियन पॉलिटिकल पार्ट है मोरलेस छत्तीसगढ़ का जो पंचायती राज एक्ट है मुझे नहीं लगता है कि उससे क्वेश्चंस आएंगे और क्वेश्चंस आएंगे तो मुझे लगता है कि उतने स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पॉसिबल नहीं होंगे क्योंकि बहुत सारे अमेंडमेंट हो गए जिसके कारण जितने पहले क्वेश्चन थे उनके जितने भी मॉडल आंसर रहे हैं अभी तक वो सब कहीं ना कहीं चेंज हो गए हैं और मुझे लगता है कि इतने ज़्यादा एफर्ट दिया जाएगा मल्टी मल्टी ऑप्शन क्वेश्चन फ्रेम करने का इस टॉपिक से फिर भी अगर आप नगर पंचायती और नगर पालिका पढ़ रहे हैं तो इसको लास्ट में कर लीजिए एक साथ ठीक है इसको डेली बेसिस में टाइम देने का ज़रूरत नहीं है इकोनॉमिक्स में ज़्यादा मत दीजिए पंद्रह मिनट दीजिए बस यहाँ के क्वेश्चन यूजुअली ग्राफिक कॉन्सेप्स आते हैं या तो कोई टर्म पूछ देता है या कर्व के बारे में पूछ देता है या फिर इसमें मोर और लेस जो कॉन्सेप्ट होते हैं इक्वेशन होते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है कोर डेफिनेशन ही पूछ देता है तो आपको उसमें ज्यादा बड़ी होने की जरूरत नहीं है ज्योग्राफी मुझे लगता है कि आपको पैतालीस मिनट देने की जरूरत है रोज और इंडियन हिस्ट्री को ज्यादा मत दीजिए आधा घंटा दे दीजिए आप मॉडर्न को बीस मिनट दीजिए आप मेडिवियल को और मुझे लगता है कि आपको लगभग दस मिनट देना चाहिए एंशियंट को उसमें भी जैना बुद्धा पे इंडस वैली सिविलाइजेशन और जैना बुद्धा पे ज्यादा फोकस करिएगा तो ये पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन रहता है तो उसको आप जोड़ के देखेंगे तो लगभग रोज लगभग सात घंटे का आपका टाइम बन जाता है ठीक है ये आपका टाइम टेबल है कि रोज आपको सेवन आवर्स पढ़ाई करनी है फिलिम्स के पहले जो मेरी स्ट्रेटेजी हुआ करती थी और सेवन आवर्स का नेट टाइम निकालने के लिए ब्रेक व्रेक लंच शाम का स्नैक डिनर वगैरह ऐड करती हूँ लगभग वही बारह घंटे की ग्रॉस सेटिंग आ जाती है ठीक है यूजुअली लोग बात करते हैं कि आप कितना देर पढ़ते थे कोई अगर कहेगा बारह घंटे कोई वह सोलह घंटे तो मुझे नहीं लगता रेट इज़ ह्यूमनली पॉसिबल जो नेट टाइम होता है बहुत ही कम आता है तो मेरी जो एफिशिएंसी थी और मैं बेस्ट डेज साढ़े पाँच छः घंटे ही आती थी तो उसी में मैनेज करता था तो इस प्रकार से मैंने बता दिया कि दिन की पहली सीटिंग में ये सेकेंड सीटिंग में जी थर्ड में आप इन्वायरमेंट फिलासफ़ी दोनों कर लीजिए पॉलिटी चौथे शिफ्ट में ले लीजिए इकोनॉमिक्स को फिफ्थ जोग्राफी को सिक्स और हिस्ट्री को सेवन्थ सिटिंग में ले लीजिए तो छोटे छोटे सीटिंग रखिए और ये जो एक सब्जेक्ट को अगर दिन भर पढ़ेंगे तो आप बोर हो जाएंगे तो ये जो साइकिल है घुमाते रहिए अलग अलग साइकिल घुमाते रहिए ब्रेक करते रहिए सब्जेक्ट्स को ठीक है और नेक्स्ट डे जब आप रिविज़न में आएंगे तो आपको ये करना है कि जो करंट अफेयर सर्वे है खासकर जो पिछले दिन आपने मेमोराइज़ किया है कोई इवेंट्स होंगे कुछ पर्टिकुलर शिप का नाम होगा डिफेंस एक्सरसाइज होगा वो आपको दोबारा देखना है फॉर एग्जांपल अगर आपने करंट अफेयर के मैगजीन लेके रखी है जो कि 120 पेज के और पहले दिन आपने पढ़ा है थर्टी पेजेस और सर्वे के आपने पढ़े हैं पाँच पेजेस तो नेक्स्ट डे थर्टी पेजेस जाने के पहले और पाँच पेज पढ़ने के पहले आपको इसको रिवाइज करना है देन यू हैव टू एड दिस सिमिलरली थर्ड डे में वही करना है पहले इसको रिवाइज करना है फिर इसको करना है फिर इससे इससे जाना है मतलब ऐड करते हुए चलना है लाइक like इस टाइप का तो ये बढ़ते जाएगा आपका तो ऐसा करके क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो निकालते हैं ना वैसे क्यूमुलेटिव टाइप का आपको पढ़ना है इसको करंट अफेयर सर्वे क्योंकि जो पहली चीज़ है ना वो लेयर्स में सेट होती है क्योंकि बहुत नया इन्फॉर्मेशन होता है बाकी तो मोर ऑल लेस आपने मेन से प्रिपेयर कर ही लिया है ठीक है तो ये जो करंट अफेयर सर्वे है काफ़ी नए होते हैं तो उनको लेयर्स में बैठाने के लिए आपको पहला वाला पोर्शन भी साथ में रिवाइज करना पड़ता है बिफोर स्टडिंग एनीथिंग न्यू अब देखिए सी चीज़ी जी इसके मैं आपको पोर्शन बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें पूछे जाती हैं यूजुअली अगर हिस्ट्री की बात करूं, सीजी हिस्ट्री की तो जो एनशियट वाला पार्ट है इससे पूछा जाएगा रूलर पूछे जाते हैं ठीक है एक पर्टिकुलर रेन में क्या हुआ था और ज़्यादा होता है तो इंस्क्रिप्शन पूछे जाएंगे नॉट मोर देन दैट ठीक है एनशियट में छत्तीसगढ़ में इतना ही है जो मिडाइव है इसमें पहले आपको पूछा जाएगा रूलर भी पूछ सकते हैं इनका एडमिनिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है टैक्स सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है ऑफिशियल्स ये पूछे जाते हैं और जितने भी अगर मान लीजिए कुछ वॉर्स हुए हैं या फिर कुछ रिवोल्ट हुए हैं तो ये भी पूछा जाता है मीडियाविल में ठीक है तो मीडीवेल्स और मोर और लेस यही है कल्चुरी और मराठा रूलर्स उनका एडमिनिस्ट्रेशन उनका टैक्सेशन उनके डिफरेंट ऑफिशियल जो रिलेटेड है पर्टिकुलर चीज़ों से वो पूछा जाता है और रिवोल्ट के ऊपर बातें होती हैं जो मॉडर्न है इसमें यूजुअली जो क्वेश्चन आते हैं वो लीडर्स और उनके कार्यस्थली प्लेस से आते हैं ठीक है और दूसरा क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट से आते हैं कि पर्टिकुलर इवेंट दिया होगा इनके क्रोनोलॉजी में जवाने बोल देगा तीसरा मूवमेंट रिवोल्ट इसपे क्वेश्चन आएंगे आपको मॉडर्न हिस्ट्री में और मॉडर्न हिस्ट्री में मोरल यही है और इनका जो नेशनल मूवमेंट में जो कंट्रीब्यूशन रहा है यहीं से बेसिकली क्वेश्चंस देखे गए हैं तो ये छत्तीसगढ़ हिस्ट्री की बात है कि इसमें क्या क्या पूछा जाएगा ठीक है जैसे इस यहाँ पर देख लीजिए शरबपुरा डायनेस्टी से रूल डायनेस्टी से क्वेश्चन है फिर रूलर से क्वेश्चन है कलचुरी का भी रूलर है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है ये ऑफिशियल हो गए ये जो बेसिक मूवमेंट हुए थे क्रोनोलॉजी हुए थे लीडर्स हुए थे उनसे क्वेश्चन है रिवोल्ट से क्वेश्चन है तो देख रहे हैं कि ये जो कीवर्ड्स है ना जो मैंने बता दिया एनशियट मिडीवियल और मॉडर्न का यही फ्लेवर रहा है छत्तीसगढ़ हिस्ट्री से आने वाले फिल्म क्वेश्चन का अब मैं आपको बताता हूं कि ज्योग्राफी में किस प्रकार के क्वेश्चन है अब आपको बताऊंगा कि सीजी ज्योग्राफी से क्या क्या क्वेश्चन पीछे जाते हैं बेसिकली ठीक है सीजी ज्योग्राफी से क्वेश्चन है वो बहुत ही बेसिक लेवल के होते हैं फिजियोग्राफी डिवीजन से क्वेश्चन है नदी पहाड़ से क्वेश्चन है कभी कभी सॉइल से पूछ लेता है क्लाइमेट से पूछ लेता है यूजल जो क्वेश्चन रहे ना यही रहे फिजियोग्राफी डिवीज़न बता दीजिए नदी पहाड़ बता दीजिए मिट्टी बता दीजिए क्लाइमेट बता दीजिए ठीक है यही क्वेश्चन है और बहुत ही रियली फॉरेस्ट का क्वेश्चन पूछता है लेकिन वो इकोनॉमिक सर्वे वाले से ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होता है तो मोरलेस नदी पहाड़ ही है फिजिकल जोग्राफी में नदी पहाड़ सॉइल यही क्वेश्चन है और इससे ज़्यादा रिलेटेड है नहीं छत्तीसगढ़ जोग्रफी में छत्तीसगढ़ हिस्ट्री का क्वेश्चन देख लीजिए छत्तीसगढ़ जोग्राफी का क्वेश्चन देख लीजिए अब छत्तीसगढ़ इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन देखते हैं तो छत्तीसगढ़ जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो इकोनॉमिक सर्वे से आ रहे हैं सर्वे का जो चैप्टर वन से लेके टेन है इस पर ज्यादा फोकस होता है और जितने भी जोग्राफी के पोर्शन है फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर फॉरेस्ट इंडस्ट्रीज इन पे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं पर कैपिटल इनकम जीडीपी सेक्टोरल ग्रोथ पैटर्न ऑफ ग्रोथ कौन से ईयर में मैक्सिमम था कौन से ईयर में मिनिमम था इस प्रकार के जो है ना यहीं से छत्तीसगढ़ इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आते हैं इसके बाहर नहीं बनता है साथ ही साथ इकोनॉमिक्स में अगर देखेंगे तो सेंसेस से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है कि पर्टिकुलर शेड्यूल ट्राइब का डेंसिटी कहाँ पर है शेड्यूल कास्ट का कहाँ पर है सेक्स रेशियो कितना है इस पर ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं इनके अलावा मुझे नहीं लगता है कि छत्तीसगढ़ इकोनॉमिक्स में बाकी चीज़ों में फोकस करने की जरूरत है सर्वे पूछ लीजिए सेंसस कर लीजिए बजट यूजुअली नहीं पूछा है लेकिन मुझे लगता है कि इस वाले फिलियम्स के हिसाब से बजट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है छत्तीसगढ़ तो इकोनॉमिक्स से बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चन है वही हम देखेंगे छत्तीसगढ़ आर्ट ट्राइब कल्चर टूरिज्म से किस प्रकार से क्वेश्चन है देखिए सी जी ट्राइब कल्चर टूरिज्म से जो बेसिकली क्वेश्चन आते हैं ना पहले तो होते हैं ट्राइब से रिलेटेड ट्राइब्स के बहुत सारे फीचर्स हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल डांस सॉन्ग रिचुअल डी बुक्स मैरिजेस, पी स्टेटस ठीक है आ, इसके अलावा हम लोग देखेंगे तो इनकी यूथ डॉमेटोरी ठीक इसके बाद ट्राइब्स रिलेटेड अगर कुछ स्कीम है तो वहाँ से क्वेश्चंस देखे गए हैं साथ ही साथ मुझे लगता है कि ट्राइब्स के अलावा इनका जो पर्टिकुलर नेमिंग है फॉर एग्ज़ाम्पल गोंड को अगर कोई तो कह रहे हैं कोजी कुंडा इस प्रकार के संस्कार हैं पैदा के रिलेटेड है तो बेसिकली हरे पटेल के जो इनिशियल पेजेस में जो टेबल बने हुए हैं ना इन सब चीज़ों को लेके वो आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए वहाँ पे कोई आपका आ, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए तो मुझे लगता है कि ट्राइब्स से यही वाला पार्ट ज़्यादा पूछ रहा है वहीं अगर कल्चर की बात करें तो वही है थिएटर सॉन्ग डांस फेस्टिवल्स ठीक है प्रोमिनेंट आर्टिस्ट ये सब जो चीज है वो ज्यादा डोमिनेंट रही है तो कल्चर वाला पार्ट इसके बाद टूरिज्म से लिमिटेड क्वेश्चन आए हैं उतने क्वेश्चन मैंने नहीं देखे हैं ओवर द इयर्स एंड मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये मैनेज किया जा सकता है वन ऑफ द इजिएस्ट पोर्शन है पूरे के पूरे फिल्म पेपर का ये वाले जो पोर्शन है आर्ट एवक टूरिज्म उसको बहुत अच्छे से पढ़िए और यहाँ पे जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें बलेंडर मत करिए इसके अलावा अवार्ड्स फेस्टिवल्स जितने भी हो रहे हैं जैसे हाल ही में राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव हुआ है तो हालांकि ये करंट अफेयर का भी पार्ट होता है अवार्ड्स अवार्ड देते हैं वो भी करंट अफेयर का पार्ट होता है लेकिन ये एक कंसिस्टेंट क्वेश्चन रहा है प्रीलिम्स में यहाँ से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं चीजें साथ ही साथ जो डिफरेंट ट्रेंड रहे ओवर द ईयर्स उसको मैंने नोट डाउन किया है ताकि आप डिस्ट्रीब्यूशन देख सकें किस प्रकार से हर पोर्शन से पूछ रहा है और हर पोर्शन से एक कॉमन थीम ही आ रही है एग्जामिनेशन में साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो सी जी ऑथर्स का जो पार्ट है वो काफ़ी सिग्निफिकेंट हो जाता है साथ ही साथ छत्तीसगढ़ ऑथर्स वाला पार्ट है मुझे लगता है ये वर्थ इन्वेस्टिंग है और यहाँ से हमेशा दो से तीन क्वेश्चन आते हैं जो कि बहुत ही ईजी क्वेश्चन होते हैं तो पहला स्टेप आप ऐसे करेंगे जो पॉपुलर है उनको रट लेंगे अपने दोस्तों के साथ दूसरा ये है जो अनपॉपुलर है उनको भी डेली बेसिस में आप दो दो तीन तीन करने की कोशिश करेंगे और लास्ट जो स्टेप है आप फाइनली क्वेश्चन आएगा या तो जो पॉपुलर ऑथर का है वो आप तुरंत पहचान पहचान जाएंगे या फिर एलिमिनेशन मेथड का यूज करते हुए आप ऐसा करिए कि एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करते हुए जो पॉपुलर ऑथर है उनकी तो सारी रचनाएं आपको पता होंगी तो उनको एलिमिनेट करते जाइए फॉर एग्जाम्पल मुकुटधर पांडे केयूर भूषण विनय कुमार पाठक इन प्रकार के जो पॉपुलर ऑथर्स है ना उनके ऑथर्स उनकी जितनी भी रचनाएं हैं वो तो डेफिनेटली रट लीजिए ताकि क्या होगा कि ऑप्शन में अगर ये दिख जाएंगे तो आपको ये समझ में आ जाए कि ये तो नहीं है आंसर तो अगर ए बी सी और डी भी दिया हुआ है और आपने ए पॉपुलर ऑथर को हटा दिया एलिमिनेट कर दिया डी को एलिमिनेट कर दिया तो इन दोनों के बीच में मेरे को लगता है कहीं ना कहीं आप चांस ले सकते हैं तो ऑथर वाला जो पार्ट है काफी रिवॉर्डिंग है ना आपको बिल्कुल इन्वेस्ट करना चाहिए उस पर दूसरी जो स्ट्रैटेजी है जो कि इंडियन हिस्ट्री की स्ट्रैटेजी रही है तो मैं आपको बता दूं कि जो इंडियन हिस्ट्री रहा है उसका जो इनपुट आउटपुट रेशियो है मुझे कभी पसंद नहीं आया है ये प्लिन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करवाता है और इसके जो क्वेश्चन हैं वो बहुत बड़े एरिया से आते हैं तो मैं आपको यही कहूँगा कि इसकी जो स्ट्रैटेजी है जो मैंने बनाई थी पर्सनली कि मॉडर्न में जो क्रोनोलॉजीज़ हैं या जो मेन्स पर्स्पेक्टिव से जो भी चीज़ें हैं वो आप पढ़ लीजिए ठीक है मिडाइवल में मेरा ये कहना है कि कुछ मत करिए में कुछ नहीं करना है आपको घटना चक्र मारनी है सिर्फ और सिर्फ मैं घटना चक्र सॉल्व करके जा रहा हूं करना है। में आप ऐसा है, फोकस करिए इंडस वैली सिविलाइजेशन में और जैना बुद्धा में बस इन्हें तो एरिया में फोकस करके चले जाइए और इतना मिनिमलिस्टिक अप्रोच कर लीजिए और बाकी जो पोर्स ऊपर ऊपर से पढ़ के चले जाइए ठीक है तो इंडियन हिस्ट्री में जो फोकस एरिया है वो ये है कि मॉडर्न में आपको मेन स्क्रीन नोट्स से वो पढ़ने हैं मिडीवल में पूरा घटना चक्र सॉल्व कर लीजिए और इसके शॉर्ट नोट्स बना लीजिए जैसे मेरे मिडीवेल के घटना चक्र के जो नोट्स हैं इंडियन हिस्ट्री के वो काफ़ी कंसाइस है हार्डली तीन से चार पेज होंगे एंड यूजुअली वही क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं तो उसमें दिक्कत नहीं होती है एनशियंट में इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइड्स देख लीजिए और जैना बुद्धा से तो क्वेश्चन हर साल आ ही रहे हैं तो बस इतना कर लीजिए एंड जस्ट लेट इट गो ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है इस पर्टिकुलर पेपर में आपको बहुत स्मार्ट रहना है इंडियन हिस्ट्री में अगर आप टाइम फंसाएंगे तो बाकी जो इजी पोर्शन है जहां से आप नंबर ले सकते थे वहां पर कॉम्प्रोमाइज होगा मेरे हिसाब से इंडियन हिस्ट्री इज नॉट वर्थ इन्वेस्टिंग सो मच टाइम व्हेन इट कम्स टू प्रीलिम्स एग्जामिनेशन तो यहाँ पे आप ये जो मिनिमम चीज बताई है मैंने बस इतना कर लीजिए एंड जस्ट लेट इट गो ज्यादा ऑप्शन मत हुई है इंडियन हिस्ट्री से जो क्वेश्चन है वो आपको बता दिए सो आप देख सकते हैं कि इंडियन हिस्ट्री में यूजुअली सात क्वेश्चन आ रहे हैं और फिलोसफी के चार क्वेश्चन जोड़ के लगभग ग्यारह क्वेश्चन दोनों से बनते हैं इंडियन हिस्ट्री और फ़िलासफी से मिलकर वन सगेन बी वेरी वेरी वाइज वेल इन्वेस्टिंग योर टाइम इन इंडियन हिस्ट्री मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स नॉट वर्थ इट ठीक है तो देख के हाथ पर मारिएगा इस वाले सेक्शन में अब पॉलिटिक्स में बात करूंगा तो पॉलिटिक्स की स्ट्रैटेजी सिंपल है कि आपको लक्ष्मीकांत पढ़नी है ठीक है आपको लक्ष्मीकांत पढ़नी है सब कुछ कवर करना है पॉलिटी मेन्स परस्पेक्टिव से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है बट फ्रॉम प्रिलियम्स परस्पेक्टिव मुझे लगता है कि पॉलिटी बहुत ही डिपेंडेबल सब्जेक्ट है यूजुअली इसके जो क्वेश्चन होते हैं वो बन जाते हैं ठीक है तो यहां से रिलेटिवली इजी क्वेश्चन आ जाते हैं गिवन कि आपने लक्ष्मीकांत करके रखी है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि पॉलिटी बहुत अच्छे से करके जाइएगा घटना चक्र बना के जाइएगा लक्ष्मीकांत बना के जाइएगा छत्तीसगढ़ पी में जो पॉलिटी के क्वेश्चन है वो काफी हाई लेवल है मेरे कंपेरिजन में वेन इट कम्स टू पॉलिटी सी जी पी एस सी के जो क्वेश्चन है दे आर एट मच हायर लेवल कंपेयर टू यूपीएससी के क्वेश्चन ठीक है तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगी लक्ष्मीकांत चेज पढ़ के जाइए इजी पेपर इजी क्वेश्चन सेट होते हैं इस पर्टिकुलर पोर्सन से और जो इजिली बन जाएंगे आपको वंस यू हैवे कॉन्सेप्चुअल क्लरिटी फ्रॉम लक्ष्मीकांत उतना ही करिए एंड डेट सेट ये जो क्वेश्चन है वो मैं रोल कर देता हूँ एक बार आपके लिए यहाँ पे पैटर्न देखिए एक साल सात क्वेश्चन पूछा है अगले साल वो बारह हो गए टू थाउजेंड ट्वेंटी में एक्सपेक्ट करता हूँ फिर से कम क्वेश्चन आएंगे फिर ट्वेंटी वन में देखिएगा फिर ज़्यादा आएंगे तो इस प्रकार का हाई लो हाई लो वाला चीज़ें चलती हैं कुछ कुछ पेपर्स में वो भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं पास्ट ईयर क्वेश्चन का ट्रेंड बनाते हुए नेक्स्ट बात करते हैं पंचायती राज और नगर पालिका का मैंने क्या किया था कि यहाँ पोर्शन के लिए सिर्फ हरिराम पटेल पढ़ी थी और जो पांच चेयर क्वेश्चन वो बना लिए थे ये बहुत ही मल्टीपल स्टेटमेंट कभी कभी एक एक क्वेश्चन में आठ से दस स्टेटमेंट भी होते हैं सीजीपीएससी में तो आपको चुपचाप यही करना है कि इंस्टेंट ऑफ सर्चिंग फॉर राइट आंसर यू हैव टू यूज एलिमिनेशन एलिमिनेशन का यूज करते हुए आपको ये करना है कि आपको जो गलत ऑप्शन है उनको काटना है और उनके बेसिस में जितने ऑप्शन कट रहे हैं उनको बस काटना है और बाकी दोनों में से इवेंचुअली ऐसा होता है कि तीन ऑप्शन कट जाते हैं और एक जो ऑप्शन है जो नहीं कटता है जो कि वो ऐसे फैक्ट नहीं रखता है जो डेफिनेटली गलत है फ्रॉम योर नॉलेज उनको आप सही टिक कर दीजिए चलते बनिए यूजुअली इसमें सही आंसर किसी को नहीं पता रहता है इस टाइप के क्वेश्चंस में हमेशा हम लोग एलिमिनेशन से ही प्रोसीड करते हैं और मेरे एक्सपीरियंस में मुझे कभी दिक्कत नहीं हुआ है तो एलिमिनेशन से करिए जो क्वेश्चन ऑब्वियसली गलत है फॉर एग्जाम्पल अगर वो बोलेगा कि मेयर की जो एज लिमिट है वो ट्वेंटी होती है लेकिन रिसेंट अमेंडमेंट के बाद वो ट्वेंटी हो गई है तो ये बात आपकी पक्की है ना तो स्टेटमेंट को काटिए और ए बी सी डी में से जो जो उसको सही मान के चल रहा है उनको भी काटिए और लास्ट में यूजुअली एक स्टेटमेंट बचेगा या दो स्टेटमेंट बचेंगे फिर फर्दर उसमें करिए या फिर उसको ऑप्शन टिक करके आगे बढ़िए तो ये अप्रोच है पॉलिटी या फिर पंचायती राज और नगर पालिका के छत्तीसगढ़ के क्वेश्चन बनाने के ये पर्टिकुलर क्वेश्चन हैं जैसे देख सकते हैं इकोनॉमिक्स की बात करूं मैं तो काफ़ी कॉन्सेप्शल पेपर है इसके लिए डेडिकेटेड तैयारी मत करिएगा आपको क्या करना है आपको जितने भी एफ हो रहे हैं उनके बारे में ध्यान रखना है जितना भी आपका ग्रोथ रेट है वो पढ़ लीजिए पर कैपिटा इनकम पढ़ लीजिए इंडिया लेवल का इतना ही करिए जितने भी ग्राफ होते हैं लॉरेंस का फिलिप्स का वो देख लीजिए को होते हैं उनको देख लीजिए कि कौन सी चीज़ कहाँ पर होती है ठीक है इसके अलावा जो बेसिक कॉन्सेप्शन होते हैं जी बैलेंस ऑफ पेमेंट ये सब चीज़ें आपको वहीं भी बन जाएगी उतने स्ट्रेस होने की ज़रूरत नहीं इकोनॉमिक्स रिलेटिवली ईजी चीज़ रहा है एंड आपको बन जाएगा साथ ही साथ जो बैंक के पॉलिसी रेट्स हैं रेपोरेट रिवर्स रेपोरेट्स ये कभी कभी पूछ देता है तो ये आपको ध्यान में रखना है ठीक है इकोनॉमिक्स एकदम कॉन्सेप्शल पेपर है एंड यूजली अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है मीन्स की तो फिल्म के लिए डेडिकेटेड पढ़ने की जरूरत नहीं इकोनॉमिक्स तो ये है पर्टिकुलर इकोनॉमिक्स एक् क्वेश्चन ओवर द ईयर्स अब इंडियन जोग्राफी की बात करें तो मेरे हिसाब से वन ऑफ तो द वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट्स रहा है ये ओवर द ईयर्स तो इसमें आपको क्या क्या चीज़ें फोकस करना है मैं आपको बता देता हूँ ठीक है एक ऑल इंडिया लेवल का इंस्टीट्यूट पूछ रहा है नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूछ रहा है क्रॉप के लीडिंग प्रोड्यूसर ओर के लीडिंग प्रोड्यूसर रॉ मटेरियल पर्टिकुलर इंडस्ट्री का सेंसेस रिलेटेड क्वेश्चन ऑल इंडिया लेवल ट्राइब्स रिलेटेड क्वेश्चन ठीक है एक पर्टिकुलर वैली की लोकेशन हिल रेंजेस ये सब चीजें हैं ये ज्यादा पूछ रहा है तो मुझे लगता है कि ये जो चीजों पर आप फोकस करेंगे तो मोर और लेस आपके इंडियन जोग्राफी के क्वेश्चन बन जाएंगे ठीक है इसका एक डेफिनेट वो होता है एक डेफिनेट पैटर्न रहा है ईयर फॉर एग्जाम्पल लीडिंग प्रोड्यूसर लोकेशन ऑफ आयरन स्टील प्लांट हिल रेंज रॉ मटेरियल ऑफ इंडस्ट्रीज लीडिंग क्रॉप प्रोड्यूसर मैक्सिमम पॉपुलशन या फिर रिलेटेड क्वेश्चन लोकेशन ऑफ ऑल इंडिया लेवल ट्राइब इसी के आसपास घूमता है इंडियन जोग्रफी का जो पेपर है 2020 का पेपर थोड़ा सा एक्सेप्शन इसको मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में पूरा सॉल्व करूंगा क्वेश्चन वन से लेकर हंड्रेड तक तो मोर लेस जो इंडियन जोग्राफी है ना उसका फ्लेवर यही रहता है तो इसके हिसाब से आप तैयारी करेंगे तो इट विल बेनिफिशियल फॉर यू देखिए वही चीज रिपीट हो रही है क्रॉप्स पूछ रहा है मिनरल पूछ रहा है पॉपुलेशन सेंसेस से क्वेश्चन है ओवर से क्वेश्चन है हिल स्टेशन से क्वेश्चन है ट्राइब्स है ठीक है इंडस्ट्री के रॉ मटेरियल देखिए वही मोर लेस वही एक ढांचा है तो इसको आप फॉलो करेंगे तो मुझे लगता है फायदा होगा आपको यही ब्यूटी होती है पास्ट ईयर क्वेश्चन की वो आपको एक विजन क्लैरिटी देते हैं कि क्या क्या आ सकता है इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में सिमिलरली अगर मैं करंट अफेयर की बात करूँ तो करंट अफेयर सबसे ईजी पोर्शन होता है सबसे स्कोरिंग पोर्शन होता है एक्सपेक्टेड पोर्शन होता है एंड मेरे हिसाब से एक बिगिनर का जो सबसे बड़ा एडवांटेज होता है वो करंट अफेयर होता है क्योंकि एक बिगनर और वेटरन दोनों के लिए उस साल का करंट अफेयर एकदम नया होता है तो वहाँ पे किसी को रिलेटिव एडवांटेज नहीं होता है फॉर एग्जांपल इंडियन हिस्ट्री एक न्यू कमर के लिए बहुत टफ पड़ेगी लेकिन वही इंडियन हिस्ट्री हो सकता है दो से तीन साल तैयारी करने वाले के लिए कम्स ईजी एंड नेचुरल टू हिम ना उसके प्रिपरेशन के लेवल के हिसाब से लेकिन एक बिगनर को बहुत परेशान करेगा लेकिन करंट अफेयर ऐसा है इस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में फोर्टीन अपॉइंटमेंट इनकी हुई है तो उन्हीं की हुई है ये इसमें ज्यादा माथा पच्ची करने की जरूरत नहीं है एंड बिगनर अगर आप हैं तो करंट अफेयर में ज्यादा फोकस किए करंट अफेयर के कुछ कुछ की होते हैं जो मैं आपको बताऊंगा कि उस पर आपको फोकस करना है फॉर एग्जाम्पल डिफेंस एक्सरसाइज हो रही है जैसे आप देख सकते हैं यहाँ साइड में इन साइड में आप देख सकते हैं कि आपको डिफेंस एक्सरसाइज अच्छे से करना है स्पोर्ट्स रिलेटेड करने हैं अपॉइंटमेंट हो रही हैं पर्सनैलिटीज उनके क्वेश्चन करने हैं जोग्राफी अवार्ड स्कीम्स सबमिट स्पेस से रिलेटेड इंडाइसिस से रिलेटेड कोई डेज है उनसे रिलेटेड और बाकी जो बुक हैं ऑथर हैं जो हाल ही में काफ़ी न्यूज़ में है कंट्रोवर्सी में है तो ये सब जो ब्रॉड चीज़ें हैं ना यही जो चीज होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है प्रिलियम्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो करंट अफेयर में हमको पढ़ना चाहिए करंट अफेयर कभी कभी अनएक्सपेक्टेड हो जाता है फॉर एग्जाम्पल इस बार कोई सबमरीन का नाम पूछ दिया था तो वैसे करंट अफेयर आप स्किप कर सकते हैं लेकिन अगर किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे किसी का अपॉइंटमेंट हुई है फॉर एग्जांपल अगर कोई सी बना है फॉर एग्जांपल कोई यूपीएससी का चेयरमैन बना है सीजीपीएससी का चेयरमैन बना है हाई कोर्ट का जज बना है हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बना है नंबर ऑफ जजेस कितने हैं छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट अपॉइंटमेंट हो गए स्पोर्ट्स हो गए कहाँ पे हुए हैं उनके मोटा मोटो क्या था और मैन ऑफ द सीरीज था टूर्नामेंट था जो तो टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप भी अभी चल रहा है पैरालंपिक्स ओलंपिक्स अभी कंप्लीट हुए हैं तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पे कौन सी चीज़ें चल रही हैं तो यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट रिगार्डिंग पिकिंग प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से करंट अफेयर फ्रॉम द न्यूज़ पेपर एंड अदर सोर्सेस तो ये ब्रॉड आपने जो मैंने आपको दे दिए जो लेफ्ट हैंड साइड स्क्रीन में आप देख पा रहे होंगे यही है ब्रॉड चीज़ें जो आपको पता ही होनी चाहिए कि कैसे आप करंट अफेयर पिक करेंगे लास्ट में आपको एक मोटी सी मैगजीन मिल जाएगी उसमें से कौन सा करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है नहीं है वो छाटना वो आर्ट आना इज वेरी नेसेसरी जो कि मैंने आपको बता दिया है कि इनकी वर्ड्स पर फोकस करिए तो यही है करंट अफेयर की कहानी सीसी बीस प्रस में ये कुछ कुछ क्वेश्चन है सैम्पल क्वेश्चन जो आप देख सकते हैं वीडियो पॉज करके कि क्या क्या पूछा गया ओवर द ईयर्स मैंने टाइमलाइन भी लिख के रखी है कि जनवरी नवंबर कब से यूजुअली मेरे हिसाब से सितंबर के बाद से लेके फरवरी तक ये एक परफेक्ट टाइमलाइन है प्रीलिम्स के करंट अफेयर फॉलो करने के लिए वहीं मेज़ का जो ऐसे है उसके जो परफेक्ट टाइम लाइन है वो जनवरी से लेकर जून के बीच के मेजर इवेंट होते हैं ठीक है तो ये जो छोटे छोटे चीज़ें हैं मैंने फिगर आउट कर ली थी जो कि कहीं कही ना कहीं मुझे ने हेल्प करा फिल्म के पेपर्स में अब देखते हैं साइंस टेक इवायरमेंट की बात करते हैं तो साइंस की स्ट्रैटेजी मेरी ऐसी थी कि मैं साइंस बैकग्राउंड से तो मैं नहीं पढ़ता था इन्वायरमेंट का मैं आपको रामबाड़ बता देता हूँ आपको कुछ नहीं करना है इन्वायरमेंट की घटना चक्र पढ़नी है और जो पॉपुलर क्वेश्चन है ना उनको रिवर्स इंजीनियर करके उसके शॉर्ट नोट्स बना लीजिए यहां से कोई भी क्वेश्चन छूटने नहीं वाले इन्वायरमेंट के यही ए में आते हैं यही असिस्टेंट डायरेक्टर में आते हैं यही प्रलिम्स में आते हैं यही व्यापम में आते हैं यहाँ से क्वेश्चन इन्वायरमेंट में कभी भी पास्ट ईयर क्वेश्चन से हट के क्वेश्चन मैंने नहीं देखा है सी सी में घटना चक्र सॉल्व करिए ए सी रेंजर का एग्जाम आ रहा है तो यहाँ से अगर पंद्रह क्वेश्चन पूछे हैं एनवायरमेंट के तो पंद्रह के पंद्रह बनने हैं आपसे कोई टेंशन नहीं है इन्वायरमेंट में सीधा घटना चक्र लगानी है साइंस के जो क्वेश्चन है या तो क्लास टेंथ सी बोर्ड की बुक से हो जाएगी या फिर आपके बैकग्राउंड से बन जाएगी तो उसकी मैंने स्पेसिफिक प्रिपरेशन नहीं करी थी ये जो क्वेश्चन है वो देख लीजिए अब इकोनॉमिक सर्वे की बात करेंगे इकोनॉमिक सर्वे से किस टाइप से क्वेश्चन आए हैं तो कुछ नहीं है चैप्टर वन से टेंथ तक आपको पढ़ना है और कुछ ईयर्स के कुछ कुछ बेसिक कॉमन uh, क्वेश्चन होते हैं फॉर एग्जाम्पल जी डी ग्रोथ रेट पर कैपिटल इनकम ठीक है एग्रीकल्चर का ग्रोथ रेट उनके ट्रेंड्स ऑफ ग्रोथ ओवर द ईयर्स मैक्सिमम कौन से साल में था ग्रोथ रेट मिनिमम कौन सा था ठीक है ये सब चीज़ें पूछ रही हैं और अगर कोई स्कीम है इरीगेशन स्कीम है स्मॉल लार्ज मीड स्मॉल मीडियम लार्ज अगर कोई प्रोजेक्ट चल रहे हैं एनी कट्स हैं वो सब पूछ देता है ये सब जो कॉमन डेटा है आप ईयर क्वेश्चन में जा सकते हैं वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कहाँ का आपको फोकस करना है ठीक है तो यही इकोनॉमिक सर्वे की कहानी जितनी होनी चाहिए थी तो देखिए इस पर्टिकुलर वीडियो सीरीज में मैं आपने को बता दिया है कि जो आपकी प्रिपरेशन है वो किस टाइप से इन्फ्लुएंस होगी मैंने आपको पास्ट ईयर क्वेश्चन बताए हैं उसके बेसिस में मैंने आपको बताया है कि हायर आर की क्या होगी प्रिपरेशन की और आपको बताया है कि टाइम अलाटमेंट कैसे करना है प्रिपरेशन के दौरान ठीक है ये जो पर्टिकुलर जो पोर्शन है ये तब है जब आप प्रिलिम्स के पहले प्रिपेयर कर रहे हैं प्रिलिम्स के एग्ज़ाम के दौरान वो क्रिटिकल दो घंटे में आपको क्या क्या करना है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा रियल टाइम सॉल्व करेंगे सी जी में मुझे नहीं लगता है कि किसी ने सॉल्व करके दिखाया है कि क्वेश्चन नंबर वन से लेके हंड्रेड तक कैसे सॉल्व करना है ये कैसे सॉल्व करना है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा तब तक बने रहिए मेरे साथ आई होप आशा करता हूँ कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा एक आपको आइडिया मिला होगा प्रिलिम्स के एग्जामिनेशन के बारे में उसकी तैयारी कैसे करते हैं उसके बारे में मेरे साथ बने रहिए नेक्स्ट वीडियो में मैं रियल टाइम को सॉल्व करके बताऊंगा प्रीलिम्स के जितने भी पेपर हैं स्पेशली 2020 का जो प्रीलिम्स हुआ है जो कि 14 फरवरी 2021 में हुआ है वो जो क्वेश्चन पेपर है उसमें मुझे लगता है कि काफी अच्छे से एक्सप्लेन करते बनेगा मुझे डिमांड जो है प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन की और किस किस टाइप से एक स्मार्टनेस या फिर प्रॉपर डिसीजन मेकिंग आपका कट ऑफ से बहुत ज्यादा नंबर ला सकता है तो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में तब तक बने रहिए मेरे साथ आई होप दिस वीडियो हेल्प थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो